रविगन हाउस के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट शस्त्र विभाग के बाबू समानांतर शस्त्र विभाग चलाकर फर्जी शस्त्र लाइसेंस का गोरख धंधा चलाते थे। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में जिला एवं पुलिस प्रशासन ने अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया है। यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान लिपिक राम सिंह, जिसने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले के खुलने पर जिला प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया था और वादी मुकदमा था, गहन छानबीन में वो भी आरोपियों का सहयोगी निकला है। शुक्रवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि कलेक्ट्रेट की बाबुओं और रवि आर्म्स कॉरपोरेशन के प्रोप्राइटर की मिली भगत से फर्जी असलाह का लाइसेंस बनाने का खेल चल रहा था। जिलाधिकारी ने कहा कि कलेक्ट्रेट में आउटसोर्सिंग से तैनात कंप्यूटर लिपिक अजय गिरी अपने लैपटॉप में एलिस ऐप इंस्टॉल करके आईडी बनाकर काम करता था। इसके अलावा एनी डेस्क सॉफ्टवेयर अपलोड करके किसी भी स्थान से बैठकर पासवर्ड के माध्यम से फर्जी ढंग से शस्त्र नवीनीकरण शस्त्र लाइसेंस बनाने का अवैध काम करता था। कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के साथ जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि फर्जी से गैंग बनाकर असलहों का लाइसेंस जारी करने, फर्जी लाइसेंस पर असलहे प्राप्त कर कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक एसआईटी गठित की गई है, जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजस्व टीम भी शस्त्र संबंधित अभिलेखों में की गई अनियमितता के संबंध में छानबीन हेतु लगाई गई, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में विभिन्न समय से शस्त्र रजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था उसका गहन छानबीन किया गया तथा रवि आर्म्स कॉरपोरेशन की दुकान से अभिलेख आदि के सत्यापन में क्रॉस चेकिंग के दौरान घोर अनियमितता का उजागर होना पाया गया, जिसमें पूर्व शस्त्र लिपिक अशोक कुमार गुप्ता, वर्तमान शस्त्र लिपिक राम सिंह तथा प्राइवेट कंप्यूटर चालक अजय कुमार गिरी और गंभीर अपराध में शामिल रहे हैं, जिन्हें स्थिर साक्ष्य के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व 7 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है तथा 6 अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। आपको मिला अपना लगा के भैया पीछे आ जाइए, 11 लोग लगभग बंदी कर दिए। जो 10 दुकान का मेन काम क्या होता है, रिन्यूअल, पहले एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रिन्यूअल करना है, किसी का बेच कारतूस बेचना है, बेसिकली क्या है, जो बंदूक जो नया खरीदने में ही तो अच्छा खासा रकम उनके कमीशन के रूप से मिलता है। सर अब तक के 7 अभी तो कार्रवाई कर लिए हैं, आगे जो कितने आता है उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। 7 तो पुष्टि हो गया है, वो जेल भी गए हैं। देखिए एक चीज है ना, 2015 में हम लोग का यूनिक आईडी का ऑनलाइन हो गया, उसके पहले क्या, तो देखिए 1947 से यहाँ तो मान लीजिए तब से स्वतंत्र आजादी हुआ तब से लेकिन तो बनी हुई है यहाँ, है ना, तब से लगभग मान लीजिए 50-60 साल का रिकॉर्ड है। बट ये क्या अच्छा ही हुआ है, 2015 में तब ऑनलाइन हो गया है, तब गवर्नमेंट ने कह दिया यूनिक आईडी मैंडेटरी है, उसके बाद ऑफलाइन वाले सारे चढ़ा दिए ऑनलाइन, है ना। उसलिए जो यदि यूनिक आईडी किसी का नहीं है वो मानेंगे वो अवैध है, हम सीधी सीधी बात है। उसी के वजह हम लोग को 22,000 लाइसेंस अभी पोर्टल में आ गया है, यानी साइट पे आ गया ऑनलाइन। उसी का क्या है, हम इसलिए पुष्टि कर रहे हैं ताकि एक तरफ हम लोग पोर्टल है, एक तरफ एक मैनुअल रजिस्टर्ड है जो 1947 से चला आ रहा है, वो दोनों को मिलान कर रहे हैं, ये दोनों में कितने अंतर आ रहा है उसी पे कहीं ओवरराइटिंग भी, ये भी बताएं तो पुराना बंदूक वाले विजय प्रताप सिंह है वो खुद के नाम से फोटो लग करके लाइसेंस जारी कर रखा है, ऐसे भी हुआ है, कहीं ओवरराइटिंग भी है उसको भी निकल करके हम लोग एक एक करके कार्रवाई कर रहे हैं। रवि आर्म्स कॉरपोरेशन जो दुकान है जिसका प्रोप्राइटर प्रकाश नारायण पांडे है, अब तक जो हमारे पकड़ में आया है वो रवि पांडे आया, उसका लड़का, तो दुकान का प्रोप्राइटर वो है, फिर दोषी कौन माना जाएगा, प्रोप्राइटर माना जाएगा या उसका लड़का माना जाएगा या दोनों माने जाएगा? देखिए दो, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, एक पैसिव है, यानी मान लीजिए एक बिल्कुल सक्रिय एक निष्क्रिय। सक्रिय में ये है, निष्क्रिय में इनका पापा के क्या है, इनका आपस में भी मनभेद है, शायद अलग हो गए उन लोग, जो भी है पहले शायद गणेश ट्रेडिंग करके इनका कोई बिजनेस भी चलता था, उनके पिताजी का भी शायद लाइसेंस एक जारी हुआ उनके नाम से, उसको भी जांच चल रहा है। जो भी कितने लोग आते हैं यार, जांच के दायरे में उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल एक्टिवली इन्हीं के नाम आया ताकि इन्हीं ने एक्टिवली बहुत सारे लोग का लुभा के दबा के जो पैसा लेके फर्जी बंदूक बना करके जारी किया।
सर फर्जी लाइसेंस बनते कहां थे अब तक की जांच में क्या कलेक्ट्रेट के अंदर उसी असला ये जहां अनुभाग अपना है वहां पे या रवि आर्म्स की दुकान? देखिए अभी तो अब तक जो हम लोग का पकड़ में है बिल्कुल 100% फर्जी है, वो दुकान में बनी हुई है। मान लीजिए दुकान में कैसे मोटा सा प्रिंट गया, अभी ये भी है मोटा मोटा है, जो अंदर जेल में गए उन लोग बताए 4-5 लाख का उन लोग का चार्ज कराया जाता है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट इत्यादि सारे चीज़ ओरिजिनल जैसे ही ले लेता हूँ। मान लीजिए जो ओरिजिनल लाइसेंस बनाने का जो है तरीका है उसी से कोई चुप नहीं, वो ले लेता। फिर उसके बाद पुलिस रिपोर्ट इत्यादि सारे चीज़ वो स्वयं मोहर लग करके फर्जी बनाना शुरू कर देता है, यानी ऑफिशियल वर्क है, बैक ऑफिस वर्क है, वो अपने दुकान में बना लेता है। उस पर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट है और पुलिस रिपोर्ट है और जो इनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इत्यादि जो लगता है सब फर्जी बना लेता है और पूरा फाइल बना करके उनका जो ओरिजिनल जैसे ही लाइसेंस जारी कर लेता है। पहले वहाँ तक ठीक था, तब ये तो फिर उसको पुष्टि करने के लिए कोई आदमी आता है बताता भाई मेरा वो यूनिक आईडी कहाँ है साइट में दिखाओ, तब उनको तब फंस जाता मामला। तब वो क्या करता है यहाँ जो पटल में काम करने वाले का तो संपर्क में आकर के उनको पकड़ा है, उनको की गहराई पे लिया दबा के दबा के। फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है जो आउटसोर्सिंग में यूजुअली काम करते हैं वो बंदा के 4-5 बंदा का लिया है। वैसे इस पे जो ये जो अंदर पहले विजय प्रताप है उन्हीं ने एक गिरी का लैपटॉप भी खरीद के दिलवाया, उन्होंने वो भी बोला है तो हम उसी लैपटॉप से ही वो साइट पे हैक किया, दो ऐप है उनका लैपटॉप भी बरामद हुआ है फॉरेंसिक एक्सपर्ट से। लेकिन जो हमने बताया एनी डेस्क यानी ये किसी भी जगह किसी डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो सॉफ्टवेयर। जब ये अजय गिरी के पास खुद ही जब पासवर्ड और यूजर आईडी थे तो फिर ये हैक होने वाली बात मतलब कहां तक ना, इसलिए देखिए ये सर्वर है एनआईसी का सर्वर है, एनआईसी का सर्वर कैमरा प्रोटेक्टेड सर्वर है, अब केवल कलेक्टेड में काम करेगी बाहर से नहीं काम कर सकती है वो। बाहर से मतलब उस पर लॉग इन किया बाहर से भी दूसरे सिस्टम से बाहर से भी लॉग इन हुआ पासवर्ड। जो एनी डेस्क की जो आप बात कर रहे हैं उसमें जब तक आप कोड नहीं देंगे तब तक बाहर वाला उसको हैक नहीं कर सकता है, यानी कि कलेक्टेड में जो बैठा बंदा बैठा था उसने एनी डेस्क का कोड उस बंदे को दिया उसके बाद उसने इसलिए देखिए अजय गिरी का काम क्या है, अजय गिरी के पास पासवर्ड था, ये दोनों बाबू हम बताए दोनों बाबू का आपस में ताना बटा हुआ है, किस किस थाना क्षेत्र का आता है उसी हिसाब से उन लोग वेरीफाई करते हैं उसके बाद कंप्यूटर में चलाते हैं। साझा किया मतलब हां ये लोग एग्जैक्ट और दूसरे सिस्टम से लॉगिन किया लॉगिन किया उसके लिए उनको मूल सिस्टम में छेड़छाड़ करनी पड़ी ना, मूल सिस्टम को हैक किया ना कि साइट को ना कि उसके प्रोसेस या एनआईसी को। नहीं, एनआईसी हमारे मूल सिस्टम जो कलेक्ट्रेट में है उससे जुड़ी है, हमारे मूल सिस्टम में अगर आप सॉफ्टवेयर डाल देंगे तो जो मूल सिस्टम है हम घर बैठकर अपने लैपटॉप से चलाने लगे, तो मूल सिस्टम जो था और वही बंदा है चूंकि तो उसने अपना पासवर्ड से लेकर रखा वही सिस्टम इस पे गैंगस्टर एक्ट इसलिए लगा रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद उसका प्रोविजन है उस पर कुर्क करने का, यानी गलत तरीके से कितने भी संपत्ति अर्जित किया कोई उसी का कुर्क करा करके आज संपत्ति घोषित करेंगे। सर अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ उसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ इसके दौरान और एक नियमित तौर पे भी दुकानों के सत्यापन की बात होती है, 2018 में इसने रविगंज हाउस ने 28 असलहे खरीदे दूसरे दुकानों से, उसकी क्या जरूरत थी, फिर किस तरह के सत्यापन होते थे जिसमें ये चीज पकड़ में नहीं? देखिए ये चीज देखिए वही तो मैं बताया था, जो भी आदमी बंदूक खरीद रहा है नहीं तो दुकानदार बंदूक खरीदता है उसका यार परचेस और सेल्स का डिटेल 24 घंटे के अंदर कलेक्टर को देना होता है। आप बता रहे थे एक्चुअली सही बता रहे थे, जो रवि वाले क्या करता है तो मान लीजिए उनका मनपसंद जो बंदूक जो भी फर्जी लाइसेंस बनाता है किसी को मान लीजिए फलाना दुकान बंदूक पसंद नहीं आया दूसरे दुकान से वो खरीदता था, यानी दूसरा दुकानदार था कि तो धंधा पानी चल नहीं रहा था कि तो लाइसेंस जारी नहीं हो रहा, उन्हीं लोग खुशी खुशी इनको बेच दे रहे हैं तो अच्छा रेट पे। वो क्या है बेचने के बाद उसको सूचना 24 घंटे के अंदर देना था, वो अब तक नहीं दिया है, यानी जो कितने सेल्स एंड परचेस है तब कम से कम हम लोग हवा लग गया होगा यार कहाँ से खरीद रहे हैं कहाँ से बेच रहे हैं। सर दूसरे कितने गन हाउसेस हैं जिनके नाम आ रहे हैं जैसे जिन्होंने असलहा बेचा और कारतूस भी बेचा? ना वो सारे देखिए आपका तो वही बताया था यार हर दुकान का हम जांच करवा रहे हैं उस पर एक नहीं छोड़ेंगे, ऐसे जैसे एविडेंस आएंगे वैसे वैसे आप लोग पिछले कई दिनों से कह रहे थे बाबू बाबू बाबू, देखिए जब तक एविडेंस नहीं होगा तब तक के हम पीछे नहीं भेज सकते क्योंकि हमें आपसे ज्यादा कोर्ट को जवाब देना है और सिट देख रही इस काम को एक आदमी नहीं देख रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट लगे हैं जैसा डीएम साहब ने बताया और एक सिट है सिट के इंचार्ज उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं जैसे जैसे पर्दे खुलेंगे आपके सामने। सर ये जो आईटी एक्सपर्ट आपने सर प्रोवाइड किए हैकिंग के बाद तो सर जो इसने बेसिकली जो सिस्टम छेड़छाड़ की उसमें सर कुछ और लोग भी हैं जो मतलब कहीं और से या किस
किस एरिया वाइज कर रहे थे? इस पे देखिए 300 मेल का एक्सेस हुआ है, 300 मेल यहाँ से कोई मेल भेजा है आया है, उसके बाद तकरीबन 4000 जो डेटा डिलीट हुआ है, उस पर डिलीट सही भी हो सकता है तो गलत ही भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए किसी का त्रुटि की वजह हो रहा उसी के भी पूरा बैकअप ले लिए। उसके अलावा 13 USB यूज़ हुआ है, उस पर पेनड्राइव यूज़ हुआ है, ये पूरा वो उस पर फॉरेंसिक जाँच में आ गया कौन सी जगह से बैठ के कौन किया है, क्या डिटेल है, सारे कुंडली निकाल दें। क्योंकि सर LIC का तो आप कहीं खुल नहीं सकता, किसी कैंपस में मिलेगा, क्योंकि बाहर एक्सेस हुआ है तो बिना छेड़छाड़ के संभव नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, इसी सिस्टम को उन्होंने दूसरे पर ले लिया, पासवर्ड आईडी वो खुद यूज कर रहे थे, इस कंप्यूटर से ना करके इस कंप्यूटर पर हमने ये आपका एनीडेस्क सॉफ्टवेयर लोड किया, तो वो जो हमारा सरकारी सिस्टम है वो आपके उनके लैपटॉप से चलने लगा। मान लीजिए एक चीज है, आप एक यही रास्ता पे जाना, एक रास्ते के दो दरवाजे बना लिए उन्होंने, एक रास्ते के दो दरवाजे बना लिए। ये बाबू जो खराब चल रहा है बीजेपी स्टॉक को जो है उन्होंने छेड़छाड़ किया। जी प्रकाश श्रीवास्तव यार फरार है, वो स्वयं अपने नाम से फर्जी लाइसेंस जारी कर रखा है उनके समय में। अभी तक के तीन बाबू एक तरह से आपके यही मेन है जो सारे थे आगे, ये रिटायर हो चुका है, रिटायर हो चुका है। रवि का नाम से 4 साल के रिकॉर्ड जो गायब है, वो कह रहा है कि राम सिंह बाबू को, या राम सिंह बाबू कह रहा है कि मुझे नहीं मिला, वो उसका बारे में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? मतलब देखिए वो बचाने के लिए कोई भी आदमी पकड़ने को कुछ भी कह देगा, बट देखिए वो रिकॉर्ड गायब है ठीक है, बट उनका उसका फोटो प्रतिलिपि और कार्बन का भी हम लोग के पास मौजूद है, वो सफिशियंट है हम लोग इंक्वायरी करने के लिए, वो उसका कोई मटेरियल वैल्यू ज्यादा नहीं है उसके। हम लोग सबको करते हैं, 21 जैसे जैसे आएगा सामने आएगा। 22 दिन की जांच में तो कुछ तो आया होगा आपको, ये सारे चीज तो यार इतने दिन जांच में तो आया है। कौन से गन हाउस है रवि के अलावा जिन्होंने सामने आएगा? ठीक है, हमने बताया ना कितने के, यार बिना सबूत के पुख्ता सबूत के कितना दिन और इंतजार हम लोग करें तो लंबी चलेगी। आपको तो ख्याल रखना हमारा जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, आपको जरूर है तो जरूर आपको लाइसेंस जारी हो जाएगा, लीगल चैनल में आइए। नंबर दो जो यार आपके पास यदि मान लीजिए किसी ने किसी वजह कोई बंदूक दिलवाया नहीं, दिलाने के भरोसे किया कोई किया, उसको एक बार कलेक्ट आकर के डेटा से पुष्टि करा दीजिए, ऐसे तो नहीं तो आप इनोसेंट विक्टिम के रूप से आ जाए। सर एक गवर्नमेंट का है, आप मान लीजिए पासवर्ड आईडी है जिस सिस्टम पे खुल रहा था, उसके अलावा सर बाहर अगर मान लीजिए मेरे लैपटॉप में मैं अपने घर में खोल लिया है कोई ना कोई टाइम मुझे पासवर्ड पता हो जाएगा। साइट नहीं है तो साइट एक्सेस चार्ज इलीगल एक्सेस देखिए, ये सर्वर तो ना NIC सर्वर होता है, NIC तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वर है, इसलिए तो देखिए बहुत जो संवेदनशील डेटा होता है सारे NIC से होता है, तो केंद्र सरकार का सर्वर है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर का सर्वर है, उसी से ये जो यूनिक आईडी पोर्टल है ये भी उसी सर्वर से होस्ट है, इसलिए जो किस डेस्कटॉप से करना है किस पासवर्ड से करना है पहले से डिफाइन है, उसके अलावा कोई डेस्कटॉप बाहर से कोई आदमी उसको एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए वो लैपटॉप जो है ना वो भी IP एड्रेस उसके रजिस्टर्ड है, किस लैपटॉप से करना है किसी डेस्कटॉप से करना है वो डिफाइन, उसके अलावा किसी कंप्यूटर किसी वो लैपटॉप का आईडी लेगी नहीं, उसी के लोग इसी के ऐप को यूज करते हुए उसी के अंदर पहुंच चुके हैं। एक साल में 50 कारतूस पे कलौड़ है, उसमें मैं उसको भी डिटेल में निकलवा दे रहा हूँ कितनी खरीदी थी मिल जाए। तो मान लीजिए जो पूरी तरीके से फर्जी है उनकी तो संख्या वैसे पता कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सर जो रिकॉर्ड में जो मिलान नहीं हो पा रही उनकी कुछ अगर एक संख्या में क्लियर करता हूँ मोटा मोटा कितने तो रोजाना कुछ आ रहा है ना डेली तो एक दो करके तब तक हम पुष्टि नहीं करेंगे ना कहना ठीक नहीं है। और जो मिलान नहीं हो रहे उनको तो नोटिस देके फिर मुझे लगता है कि पहले उनसे बुला लेंगे उनके भी क्वेश्चन लेना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जो मेन आर्म्स डीलर था प्राइवेट वो भी आज की डेट में गिरफ्त में है, जो सरकारी बाबू मेन थे एक नहीं तीन गिरफ्त में, अब कोई बचता नहीं, अब खाली प्रोसीजरल है जो कुछ है दिखाई देने की बात है, चूंकि एक कमरे भर के बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं और बार बार उनको देखना है, ये कहना कि 22,000 है
तो 10 सेकंड में देखा है कि नहीं वो तो संभव नहीं, नहीं एक तो 16 सेकंड में देख लिया ऐसा नहीं, रिकॉर्ड 17,000 वेरीफाई है, प्रशासन के पास 22,000 है, 5,000 कौन लोग, ये उसके पहले की है जब जब 2014 से चला चुनाव से जब इलेक्ट्रॉनिक आपके पास 22,000 का रिकॉर्ड है, पुलिस के पास 17,000 का, 5,000 का रिकॉर्ड है, नहीं हम सभी के पास रिकॉर्ड है ना, देखिए इसमें कंफ्यूजन देखिए थाने में जहाँ रिकॉर्ड होता है उसके अलावा बाहर जनपद वाले भी रखते हैं, बाहर जनपद वाले भी काम करने वाला जब उनका वो 2,000-3,000 संख्या हमेशा अंदर हमेशा अंदर है, यहाँ तो ताने की इनके तो थाने वाइज रजिस्टर्ड है, ये मान लीजिए यहाँ रहने वाले के कितने लोग है उनका बंदूक का इनके जिसके पास होगा, हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है जो कौन यहाँ का रहने वाले बट बाहर रहते हैं काम कर रहा है, नौकरी में सरकारी नौकरी में किसी का है लाइसेंस लिया, मूल लाइसेंस ही गोरखपुर का है बट काम कर रहा है कहीं बाहर, इसलिए तो इन्हीं का और वहाँ बाहर से लेकर के यहाँ भी आए उनका भी नंबर पड़ा है, हमेशा होता है ना, दो तरह का होता है, रिन्यूअल यहाँ सीधे आके कर सकते हैं नहीं तो वहाँ उससे संबंधित सीएम से एनओसी लेकर के करवा सकते हैं, यानी मान लीजिए वो कहीं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है सिपाही है, हमसे एनओसी लेके वो डीएम जम्मू से रिन्यूअल कर सकता है, ये प्रोविजन कितने संवेदनशील पटल है वहाँ तो ऐसे संविदा कर्मचारी को रखना नहीं रखेंगे नहीं तो उसका आदेश भी कर लेंगे बहुत जरूरी चीज। गत दिन में कुछ प्रकरण सामने आया है आपको भी पता होगा, कुछ फर्जी लाइसेंस बंदूक का लाइसेंस जारी होना हम लोग का संज्ञान में आया है, तकरीबन 10-15 दिन पहले से इसका जांच हम लोग प्रारंभ किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे हर जनपद में जो कितने बंदूक जारी हुआ है उसका देश के दृष्टिकोण सुरक्षा के दृष्टिकोण जांच कराने के लिए, गोरखपुर बड़े जनपद है तकरीबन 22,000 लाइसेंस अब तक जारी हुआ है तकरीबन उसी का जांच हम लोग प्रारंभ किए हैं, शुरुआत प्रिलिमिनरी जाँच में एक दो लाइसेंस फर्जी हम लोग के सामने आया है, मतलब बिल्कुल फर्जी इनकेस, यानी आप जानते हैं 2015 से यूनिक आईडी सिस्टम लागू कर दिया भारत सरकार ने, यूनिक आईडी जो आधार जैसे आदमी का आधार है वैसे हर बंदूक लाइसेंस का यूनिक आईडी होता है, बिना यूनिक आईडी का वो लाइसेंस है अवैध माना जाता है, इसलिए यूनिक आईडी पोर्टल में एक यूनिक आईडी जारी होता है उसका पूरा डिटेल उस पर रहता है, लाइसेंस होल्डर कौन है, कौन सी थाना क्षेत्र का है, कौन सी कैटेगरी का लाइसेंस है, कब तक वैलिड है, वो सारे डिटेल रहता है, वो जो एक दो प्रकरण मेरा हम लोग के सामने आया है वो लाइसेंस कहीं यूनिक आईडी मैच नहीं हो रहा है, यदि यूनिक आईडी होता है तो फिर उसका जो लाइसेंस होल्डर है वो मैच नहीं हो रहा है, इसी टाइप का मिसमैचिंग था, तब हम लोग तो प्रिलिमिनरी जो एविडेंस कुछ मिला है हम लोग को 2-3 उसके बाद हम लोग तत्काल मुकदमा दर्ज करा दिए, उसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ गठन हुआ है 3 IPS ऑफिसर का जो अध्यक्षता पे उस पर कप्तान साहब भी है, जो हमारा SP साहब है रोहन भी है और हमारा SP सिटी साहब भी है, तीनों लोग हैं, उसके अलावा हम लोग पैरेलली मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हमने स्टार्ट किया है उस पर ADM सिटी साहब है और उसके बाद SDM सदर है, उसके अलावा और भी ऑफिसर उसके सहयोग के लिए है, ताकि इस पर तो दोनों तरह का देखना होता है, एक तो अविलय की तरफ से भी जांच कराना होता है उसके बाद क्रिमिनल गतिविधियां को भी देखना होता है, उसी की तरफ से हम लोग उसका मुकदमा हम लोग 419, 420, 467, 468, 471, 120B इसी धारा के अंदर मुकदमा दर्ज किए, दर्ज करा के इन्वेस्टिगेशन चालू किए, उसके बाद तमाम चीज़ सामने आई है, इसका मोडस ऑपरेंडी बता देता हूँ आपको ताकि आपने आपको बताया तो 2015 से ये जो है ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम सर्वर तो केंद्र सरकार से होस्ट होता है, वो सर्वर का यूजर नेम पासवर्ड होता है, यूजर नेम पासवर्ड दी जाती है कुछ बाबू के हाथ में रहता है, उन्हीं लोग एक्सेस करते हुए उसका यूज़ करते हैं, जो कुछ लोग क्या किए हैं उसका 2-3 हाईटेक सॉफ्टवेयर यूज़ कराते हुए उसको एक्सेसिबिलिटी का हैक किए हैं, खासतौर पे 2 ऐप उन लोग यूज़ किए हैं, एक एलिसा ऐप है और दूसरा एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है, ये क्या है आप कहीं से भी घर बैठे किसी जगह बैठ के आपको मान लीजिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप बंद भी हो गया फिर भी आप उसी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ये हम तब शक हुआ है, हम लोग उसका फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया है उसका डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं उसी से पूरा डिटेल हम लोग निकलवाए हैं इस पर अब तक ये सर्वर में कितने कितने लोग यूज़ किए हैं और कितने डेटा डिलीट हुआ है वो सभी के जांच किए,
तब पता चला तो उसको मल्टीपल यूसेज से मल्टीपल जगह से कोई एक्सेस करने के लिए कोशिश किया है। उस पर 7-8 USB लगा हुआ है, 1-2 कंप्यूटर लगा हुआ है, बाहर से कोई व्यक्ति यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम NIC के लिख करके पूरा सर्वर का डिटेल लिया है, तब पता चला ये 2 ऐप है, इसी के जरिए से कोई बाहर का व्यक्ति भी उस एक्सेस करके किसी का नाम छेड़ रहा है, किसी का यूनिक नंबर छेड़ रहा है, यूनिक ID छेड़ रहा है, कुछ ना कुछ एडिट करता रहा है। उसका पूरा डिटेल लेकर के हम लोग जांच किए, तब इस पर ये बड़ा वो एक तरफ गैंग ऑपरेट करना जो हम लोग को सामने आया है। खासतौर पर इस पर रवि आर्म्स करके एक आर्म डीलर है, उन्हीं का दुकान से मेनली एक तरफ केंद्र माना जाता है उसी टाइप का, जो उन्हीं ने पूरा एक्टिवेट किया है। उन्हीं के साथ कोई कलेक्ट्रेट का बाबू भी जुड़े हुए हैं, और उसी पे जो संविदा का बाबू जो भी है कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप से और किसी के रूप से जो छोटा मोटा जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए सहयोग करते हैं, उन लोग भी जुड़ गए। ये नेटवर्क धीरे धीरे विस्तार होते हुए एक बड़ा नेटवर्क हम लोग का पकड़ में आया है। अब तक इसी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको पता है अब तक 7 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, इंक्लूडिंग जो रवि आर्म्स का जो मालिक है वो। आज और 3 लोग का प्रकाशन में आया, एक तो अजय कुमार गिरी है जो लैपटॉप उन्हीं से बरामद हुई, उन्हीं के लैपटॉप से ही पूरा हैक करके यूज़ किए उन लोग। उसके अलावा 17 लिपिक है, पहले ये राम सिंह है जो काम करता है उन्हीं के नाम भी है, और अशोक कुमार करके एक पहले लिपिक रहा है, और एक लिपिक है विजय कुमार श्रीवास्तव, वो फिलहाल फरार है, वो भी हम लोग का रेडार पे है। इसके अलावा टोटल 10 लोग का अब गिरफ्तारी कराने के लिए अब तक हो जाएगा, यानी 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 लोग हो जाएंगे अभी। अब तक 6 जो लाइसेंस यानी फर्जी लाइसेंस वाले जो लाइसेंस एंड बंदूक हम लोग बरामद किए हैं, एक लैपटॉप बरामद हुई है, और भी जो अब रिकॉर्ड में छानबीन करते हुए कितने निकल के आ रहे हैं उसको बरामद करवा रहे हैं उसको। और इस पर अभी तो रिकॉर्ड था कि ये रिकॉर्ड तो काफ़ी संख्या पे हमने बताया आपको, 22,000 जो लाइसेंस है उसका हम लोग हर चीज़ मिलान करते हुए करा रहे हैं। इसको पूरा टीम हम देखेंगे, तकरीबन 100 लोग लगा करके जो हर टीम से जो उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहीं से भी इस पर जो कहीं भी त्रुटि होता है, कहीं से भी तो छेड़ हुआ है, कहीं से भी कोई ओवर राइटिंग है, कहीं से भी फ़ोटो का कुछ छेड़छाड़ करा के किसी का नाम हुआ है, वो सबको धीरे धीरे करा के जांच करके हम लोग नोटिस देके उसको भी इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं। इस पर कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं सबको ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैं बताने चाहता हूँ ताकि ये इसी टाइप का करना बिल्कुल एक पब्लिक आर्डर डिस्टर्बेंस का श्रेणी में आता है, इसलिए कितने लोग इन्वॉल्व है सबको ऊपर हम NSA लगाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लगा करके, ताकि ये हमेशा के लिए एक तरफ एक चेतावनी रहेगा और एग्जाम्पलरी एक्शन रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निर्देश है ताकि ये एक तरफ से ये फर्जीवाड़ी करा करके किसी का हाथ में हथियार प्रयोग करना बिल्कुल ये देश हित में हनिहारक है, इसलिए हम लोग साथ खिलवाड़ किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत पे हम NSA लगा रहे हैं जो कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इनका। और बाकी लोग का जो यहाँ लोकल लेवल पे हम लोग गुंडा गैंगस्टर और इनका संपत्ति कुर्क कर आना है, सारे जो दंडात्मक कार्रवाई वो भी हम लोग कठोर कार्रवाई से कराएंगे, वो किसी को हम बख्शाएंगे नहीं उसको। ये 2010 का रिन्यूअल के नाम से प्रकाश में आई थी, वैसे तो वो 2004 का आ रहा था, वैसे वो जो लाइसेंस जो जेल में था विजय प्रताप सिंह उन्हीं के नाम से 3 लाइसेंस उनने बनाया, खुद बनाया। वैसे 6 साल के अंदर वो धनवान हो गया है, उसका संपत्ति का भी पूरा हम लोग जांच करवा रहे हैं। 2010 में रिन्यूअल के नाम से दर्ज करवाया, वैसे लाइसेंस 2004 का दिखाई रही है उस पर, उन्हीं ने ही यूनिक ID का, किसी का यूनिक ID है दूसरे थाना क्षेत्र का, उसको छेड़ के अपने नाम दर्ज करा करके उसको एक राइफल है 2 बंदूक जारी कर रखा है उसको, पहले से होगा। अभी तो देखिए, अभी फिलहाल आप बताएं तो 1947 के बाद हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, अब 2015 से ये सारे ऑनलाइन हो गया, यानी यूनिक ID सिस्टम तब पकड़ में आ गया था। कि यूनिक ID सिस्टम का एक फ़ायदा क्या है, उसके पहले कितने लोग बंदूक रखे हैं, यदि यूनिक ID नंबर जारी नहीं होता वो अवैध मानते हुए हम लोग उसका खारिज कर लेते हैं। अब उसी के बाद जो कितने होता है उसी के हम लोग छानबीन करके कर रहे हैं, इसलिए तो देखिए इस पर दो तरह का होता है। एक मान लीजिए एक रिन्यूअल के नाम से कोई भी बंदा जो लाइसेंस लेके आ रहा है उसको खासतौर पर जो पटल प्रभारी है, पहले पुलिस से रिपोर्ट आता है जो कंसर्न्ड आदमी वहाँ रहता है क्या चीज़ है, पुलिस रिपोर्ट के बाद यहाँ पटल प्रभारी उसको जांच करता है अपने रजिस्टर से, उसके बाद कंसर्न्ड ऑफिसर को फॉरवर्ड करता है रिन्यूअल के लिए अप्रूवल के लिए। उस समय में जो बंदूक धारक है वो बंदूक और लाइसेंस पर्सनली लेके आना होता है, वो मैंडेटरी होता है उस समय में। यदि मान लीजिए यदि ओरिजिनल आदमी है तो ज़रूर आना होगा। यदि ये जो हम बता रहे हैं ना, इसको मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये रवि दुकान में एक पैरेलल ऑफिस चलाया, मतलब वो बंदूक रिन्यूअल भी कराया, नया जारी भी किया है
और सारे चीज़ कराए, वो लूप में भी नहीं आया ये चीज़। जो कितने जो हम लोग पकड़ा अब तक 7-8 लाइसेंस सामने आया है, ये पूरा पूरा जो कलेक्ट्रेट से थोड़ा हटके हुआ है। जो कलेक्ट्रेट में तब ये बात आई, तब यूनिक आईडी 2015 से प्रारंभ हो गया है, तब आदमी पूछने लगे यूनिक आईडी बिना हम यकीन नहीं होंगे, ताकि ये दलाल लोग तो 4-5 लाख ले करके फर्जी बनने लगे, उन लोग भी पूछेंगे कि यार यूनिक आईडी दिखाओ, मेरा यूनिक आईडी कहाँ है, तुम तो जारी कर रहे हो। तो फिर तब ये इन लोग कोशिश किए इसका हैक करने के लिए, सर्वर में छेड़ने के लिए तब शुरू किए। तब ना हमारा समय में लाइसेंस जारी नहीं हुआ ना। देखिए अभी तो 2015 के पहले से यार तो हाईकोर्ट ने बैन लगा दिया, आपको पता है 2 साल बैन था, 1.5 साल से खुला हुआ है। मेरा समय में कोई लाइसेंस हमने जारी नहीं किया है। उसके पहले जो यदि कितने लाइसेंस होता है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, उसका फॉरेंसिक को भी भेज रहे हैं। इस पर हो सकता है किसी का फर्जी लाइसेंस बनाया हुआ होगा, ADM का और DM का हो सकता है, उसको भी हम फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित करके जेल भेज दिया जी। उनमें किन जिलाधिकारियों के हस्ताक्षर, किसके कार्यकाल का वो लाइसेंस था, आपके कार्यकाल से था कि पहले का ना? पहले का है, मेरा समय में एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ ना, 1.5 साल में कोई लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। 2010 का वही तो बता रहा हूँ ना, वो 2004 का है, देखना पड़ेगा, शायद 13 साल पहले कोई DM रहे होंगे। ना वो पुष्टि करना होगा ना पहले, ताकि वो लाइसेंस यहाँ जारी ही नहीं हुआ है फर्जी तरीके। बाहर बाहर ही तो ये कह रहा हूँ, पैरेलल एक गवर्नमेंट चलाया उनने, पैरेलली पूरे लाइसेंस बनाया है, बंदूक भी खरीदा है, जारी भी किया है उस पे, मतलब वो कहीं सीन में ही नहीं है हम लोग का उस पे। अब कितने और लोग भी दुकान अभी संज्ञान में आया है, उसको भी जान चल रही है अभी हम। इस पे क्या होता है, जो भी जो दुकान है बंदूक बेचता है, उसका सेल का जो डिटेल है हमें भेजना होता है, और उस पर जो मोडस ऑपरेंडी क्या है, उस पर एक सेल रजिस्टर रखना होता है, उसके अलावा जो वहाँ रिन्यूअल का एक रजिस्टर रखना होता है, उसके अलावा अन्य जो बंदूक का रजिस्टर रखना होता है, कुछ मैंडेटरी रिकॉर्ड होता है, हर साल उसको महीना भी होता है। ये जो हम लोग जो अभी फिलहाल मोडस ऑपरेंडी रवि का उठाया, उस पर जो रजिस्टर है दो तरह का मेंटेन किया, एक तो अपने धंधा के लिए मेंटेन किया, एक तो कलेक्ट्रेट में मिलान करने के लिए मेंटेन किया। तब हम सील करके लेके आए, तब पता चला वो अलग रजिस्टर भी उनने रखा है, और कुछ दुकानदार भी उनको बंदूक भी बेचा है ना, ऐसा है। तो उनने मतलब वही तो एक तरफ से वो, और जो रवि का पास भी जो दुकान का जो IP एड्रेस है, उसी से भी वो सर्वर का हैक हुआ है, यानी उन्हीं ने ऑनलाइन भी एक्सेस किया साइट को, और रिकॉर्ड भी मेंटेन किया, फिर बंदूक भी बेचा है, मतलब एक तरफ पैरेलली पूरा चलाया है सिस्टम। जी जी, क्या नहीं यूनिक, एक लाइसेंस पे 3 बंदूक तक अलाउड रहा है, वो डिपेंड ऑन द लाइसेंस, वो उसका 3 के ऊपर तो अलाउड नहीं है UP सरकार ने।